दोस्तों देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों में लॉकडाउन को लेकर दो बड़ी खबरें आ रही है। जी हां, देश में फिर से लागू हो रहा है लॉकडाउन। साथ ही दोस्तों अनलॉक 3 से जुड़ी भी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अब सरकार स्कूल, कॉलेज और स्विमिंग पूल और जिम खोलने को लेकर बड़ा फैसला लेने वाली है। साथ ही दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिक सैनिटाइजर के उपयोग पर बड़ी चेतावनी जारी की है, जिसे हर आदमी को जानना जरूरी है। वहीं दोस्तों अब इस राज्य सरकार की रातों रात उड़ चुकी है नींद। जी हां, बताएंगे आखिर ऐसा क्या मामला है। इसी के साथ दोस्तों अमेरिका ने चीन को दी एक बार फिर बड़ी धमकी। जी हां, जानेंगे आखिर अमेरिका ने चीन को क्या कहा है। साथ ही दोस्तों अब शॉपिंग मॉल में भी मिलेगी महंगी शराब और बीयर, सरकार ने दिया है आदेश। जी हां, बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। इसी के अलावा दोस्तों रियायती दरों पर हवाई सफर करने वालों के लिए सरकार ने किया बड़ा फैसला, अब देश के करोड़ों यात्रियों को होगा सीधा फायदा। जी हां, जानेंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। इसके साथ ही दोस्तों नरेंद्र मोदी से भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल उन्होंने मन की बात में कई बड़ी बातों को साझा किया है, तो इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों आज इन सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की जरूरत है या नहीं। आपका जो भी विचार हो कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, हफ्ते में एक या दो दिन कर्फ्यू लगाने की राह पर कई राज्य, कहीं पूर्ण लॉकडाउन तो कहीं जनता कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, बढ़ते मामलों को काबू करने के लिए कई राज्यों ने हफ्ते के आखिरी दो दिन कर्फ्यू लगाने की नीति अपना ली है। ज्यादातर राज्यों में शनिवार या रविवार या फिर दोनों ही दिन पूर्णबंदी रखी जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ हफ्तों से शनिवार और रविवार को बाजार पूरी तरीके से बंद रखे जा रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार ने पहले एक दिन छोड़कर दुकानें खोलने के आदेश दिए थे, बाद में उसे बदलकर 5 दिन कर दिया गया है। अब सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें खुलती है और 2 दिन बंद रहती है। इसी तरह उत्तराखंड में भी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में हफ्ते में आखिरी दिन कर्फ्यू लगाना शुरू किया है। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार और मणिपुर ने 16 से 23 जुलाई के बीच पूरे राज्य में लॉकडाउन जारी किया था। वहीं त्रिपुरा सरकार ने भी सोमवार से 3 दिन की बंदी रखी थी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी सरकार ने राजधानी भोपाल में 10 दिन का पूर्ण लॉकडाउन रखा था। वहीं कोरोना से सबसे बुरी तरह से प्रभावित महाराष्ट्र के नागपुर में स्थानीय प्रशासन ने शनिवार और रविवार को स्वैच्छिक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही संचालित किया जाएगा। इसी तरह नागालैंड की राजधानी कोहिमा में 31 जुलाई तक पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। साथ ही रविवार से दीमापुर में पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया है, जो 2 अगस्त तक जारी रहेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, ओडिशा, बंगाल, कर्नाटक समेत कई राज्यों में भी ज्यादा मामले वाले जिलों और इलाकों में सख्त पाबंदियां लगाई गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अब शॉपिंग मॉल में भी मिलेगी महंगी शराब और बियर, सरकार ने दिया आदेश। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शॉपिंग मॉल में सोमवार 27 जुलाई से महंगी शराब की बिक्री की जाएगी। शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक जारी रहेगी। वहीं योगी सरकार ने शनिवार 25 जुलाई को इसका आदेश जारी किया है। इन दुकानों में विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, जिन, वाइन के सभी ब्रांड, 700 रुपए से अधिक रुपए की वोदगा, 160 या इससे अधिक कीमत की बियर कैन की बेचने की इजाजत होगी। आपको बता दें कि शॉपिंग मॉल के परिसर में शराब का सेवन करने की इजाजत नहीं होगी। दोस्तों योगी सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। रियायती दरों पर हवाई सफर करने वालों के लिए सरकार ने किया बड़ा फैसला, देश के करोड़ों यात्रियों को होगा सीधा फायदा। जी दोस्तों, रियायती दरों पर हवाई सफर करने की तमन्ना रखने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू हवाई यात्रियों के लिए विमान सेवा किराए बढ़ाने पर लगी रोक 24 नवंबर तक बढ़ा दी है। मंत्रालय की ओर से देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगने के बाद विमानन कंपनियों को परिचालन की अनुमति मिलने के बाद 21 मई को इससे जुड़ा आदेश जारी किया गया था। इसमें हवाई यात्रा की दूरी के आधार पर किराए की श्रेणी निर्धारित की गई थी। वहीं लॉकडाउन के दौरान ही मंत्रालय ने घरेलू विमान किराए बढ़ाने पर रोक लगाई थी और उड़ानों के किराए की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा तय की थी। वहीं सरकार के इस ऐलान के बाद देश के करोड़ों यात्रियों को फायदा होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। IIT मद्रास के छात्रों ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने वाला बनाया खास उपकरण, 1 घंटे में देगा कोरोना संक्रमण की अपडेट। जी दोस्तों, IIT मद्रास ने कोरोना वायरस संक्रमण का पता लगाने के लिए हाथ में पहनने वाला एक ऐसा बैंड तैयार किया है जो एकदम शुरुआती स्तर पर ही इंसानों को संक्रमण के बारे में बता सकता है। ये बैंड अगले माह तक बाजार में आ सकता है। वहीं IIT मद्रास में स्टार्टअप म्यूज वीरेबल्स की
शुरुआत पूर्व छात्रों के एक समूह ने NIT वारंगल के पूर्व छात्रों के साथ मिलकर की है। इन ट्रैकर्स को 70 देशों में लॉन्च करने की योजना है। वहीं हाथ के ट्रैकर में शरीर के तापमान को मापने, हृदय गति व SpO2 यानी ब्लड ऑक्सीजन सघनता को मापने के सेंसर लगे होंगे, जो लगातार इन पर नजर रखकर संक्रमण के शुरुआती स्तर पर ही पता लगाने में मदद करता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, बीजिंग की संपत्ति नहीं है दक्षिणी चीन सागर, छूट दी तो और क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा ड्रैगन। जी हां दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर पर चीन के दावे को खारिज करते हुए अमेरिका ने दो टूक कहा है कि ये बीजिंग की संपत्ति नहीं है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने शनिवार को चीन पर करारा वार किया और कहा कि यदि चीन अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता रहा और स्वतंत्र देशों ने कुछ नहीं किया तो वह और क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा। वहीं दक्षिणी चीन सागर को लेकर कई देशों से भिड़ता आ रहा ड्रैगन अमेरिका की आक्रामक तेवर से और बेचैन हो सकता है। वहीं बता दें कि माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका की नीति शीशे की तरह साफ है और साउथ चाइना सी चीन की समुद्री संपत्ति नहीं है। यदि बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता रहा और स्वतंत्र देश कुछ नहीं करेंगे तो इतिहास बताता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP और क्षेत्र पर कब्जा कर लेगी। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। अनलॉक 3 पर सरकार की बड़ी रणनीति, स्कूल और मेट्रो को लेकर फिर से शुरू करने की मिलेगी इजाजत, केंद्र सरकार कर रही है चर्चा। जी दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में 68 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए जून के पहले हफ्ते से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। पिछले 2 महीनों के दौरान सरकार ने अनलॉक 1 और अनलॉक 2 में भारी छूट दी है। पहले की तरह कई काम फिर से शुरू हो चुके हैं। अब अगस्त महीने से अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगले महीने से स्कूल और मेट्रो ट्रेनों को चलाने की इजाजत दी जाएगी। दरअसल अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सरकार स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रही थी, लेकिन आखिरी मौके पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने मन बदल लिया है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि स्कूल और कॉलेजों को फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि मेट्रो भी फिलहाल नहीं चलेगी, साथ ही जिम और स्विमिंग पूल के इस्तेमाल करने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी ज्यादा सैनिटाइजर उपयोग करने को लेकर चेतावनी। जी दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रसार हर नए दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि वर्तमान में संक्रमितों की संख्या 13 लाख के पार पहुंच गई है। लोग इससे बचने के लिए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। इसी बीच अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है कि हैंड सैनिटाइजर का अधिक उपयोग हानिकारक हो सकता है, ऐसे में इसका अधिक उपयोग करने से बचना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर RK वर्मा ने कहा कि हैंड सैनिटाइजर का आवश्यकता से अधिक उपयोग हानिकारक हो सकता है, ऐसे में लोगों को सैनिटाइजर के दुरुपयोग से बचने का प्रयास करना चाहिए। बता दें कि चिकित्सा विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की थी कि सैनिटाइजर के अधिक उपयोग से त्वचा को स्वस्थ रखने वाले बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। उन्होंने सलाह दी थी कि जब आपके पास साबुन या पानी उपलब्ध हो तो हाथों को सैनिटाइज करने की जगह उससे हाथ धोना चाहिए, यह अधिक सुरक्षित है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। फीस न लेने के आदेश के बाद प्राइवेट स्कूलों ने बंद की ऑनलाइन कक्षाएं। जी दोस्तों, गुजरात में कई निजी स्कूलों ने गुरुवार से ऑनलाइन कक्षाएं अनिश्चितकालीन के लिए रोक दी थी। ऐसा राज्य सरकार की उस आदेश के बाद किया गया है जिसमें कहा गया था कि जब तक स्कूल फिर से न खुल जाए उन्हें छात्रों से फीस नहीं लेनी चाहिए। पिछले सप्ताह जारी एक अधिसूचना में गुजरात सरकार ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर स्कूल बंद रहने तक सब वित्त पोषित स्कूलों को छात्रों से ट्यूशन शुल्क नहीं लेने का निर्देश दिया था। इसके अलावा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्कूलों को शुल्क में बढ़ोतरी करने से भी मना किया था। इस कदम से नाकुश गुजरात के लगभग 15,000 सब वित्त पोषित स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक यूनियन ने ऑनलाइन कक्षाएं रोकने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। बेंगलुरु में 3,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए गायब, सरकार की उड़ी नींद। जी दोस्तों, कर्नाटक में कोरोना वायरस से कोहराम मचा हुआ है। पिछले करीब 3 हफ्तों से यहाँ मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। राज्य में मरीजों की संख्या 90,000 को पार कर गई है। इसी बीच खबर है कि राजधानी बेंगलुरु में कोरोना के 3338 मरीज गायब हो गए हैं। आखिर वे कहाँ गए, इनका कोई अता पता नहीं है। फिलहाल प्रशासन इसकी तलाश में जुटा है। अगर हिसाब लगाया जाए तो ये शहर में कुल कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की संख्या का 7% हिस्सा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। PM मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में साझा की ये बातें। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया है। सबसे पहले उन्होंने कारगिल विजय दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि 21 साल पहले भारतीय सेना ने भारत की जीत का झंडा फहराया था। उन्होंने युवाओं से वीर जवानों से जुड़ी कहानियां पढ़ने और साझा करने का अनुरोध किया है।
वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं वीर जवानों के साथ ही उन्हें जन्म देने वाली माताओं को भी नमन करता हूँ। इसके अलावा उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ देश में एकजुट होकर लड़ने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह वायरस अब भी पहले की तरह खतरनाक है। साथ ही प्रधानमंत्री ने मास्क की जरूरत भी बताई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस साल 15 अगस्त अलग परिस्थितियों में मनाया जाएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।